नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। काशीपुर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां कनाडा की कंपनी में मर्चेंट नेवी की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 1,80,000 की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस और एसओजी की टीमों ने आईटीआई क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, 5 साल पहले 23 सितंबर 2017 को आईटीआई थाना क्षेत्र के धीमरखेड़ा गांव निवासी अजहर हुसैन ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी वैशाली कॉलोनी में हेयर कटिंग की दुकान थी। एक दिन उसे श्यामपुरम निवासी अविनाश तिवारी ने बताया कि उसका कोई परिचित जिसका नाम अमन दुबे है, वो बिहार का निवासी है और वो दिल्ली दूतावास में बड़ा अधिकारी है। उसने बताया कि कनाडा में मर्चेंट नेवी में कई वैकेंसी हैं और वो कनाडा भेजकर मर्चेंट सी मैक्स में सिलेक्शन करवा देंगे। इसके लिए 7,50,000 रुपए का इंतजाम करना होगा। इसके बाद अजहर हुसैन ने उसकी बातों में आकर अपने परिजनों से ले देकर 1,80,000 रुपए अमन दुबे के खाते में ट्रांसफर कर दिए। रुपए जमा करने के बाद अमन अजहर को दिल्ली स्थित दूतावास कार्यालय ले गया। वहां पर अमन ने अजहर को एक होटल में रखा और उसने अजहर के खाने में नशा मिला दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। नशे की हालत में ही अमन उसे अज्ञात जगह पर ले गया। कुछ समय बाद जब अजहर को होश आया तब वो अपने घर पहुंचा। वहीं अजहर की तहरीर के आधार पर आईटीआई थाना पुलिस ने अमन दुबे के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के कई प्रयास किए, लेकिन वो हाथ नहीं लगा। आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने NBW लेकर आदेश की तामील भी की गई थी, इसके बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। SSP उधम सिंह नगर की ओर से आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 15,000 रुपए का इनाम रखा गया। वहीं शुक्रवार 25 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर आरोपी अमन दुबे को 5 साल बाद अपनी मौसी के घर आते समय श्यामपुरम पुलिया बाजपुर रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद अभियुक्त को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।